तीन हफ्ते हो गए टोकन मिलानी है पर बट्टा भाई आज मैं वहीं बैठा रहा मैं जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे बहुत परेशान हूँ मैं तीन हफ्ते से भाई मैं डॉक्टर साहब से मिलने जा रहा भाई बिना टोकन करने जाने का तू एक महीना हो गया पूरा एक महीना टोकन हाथ ही नहीं लगता भाई पर आज तो टोकन बट रहे भाई और टोकन बट रहे टोकन जल्दी टोकन पर भाई ऐसे खड़ा होले भाई मैं ना होने कहा ऐसे खड़ा डॉक्टर साहब से मिलने मिलने जाऊं मैं ऐसे देखी हाथ पैर में भी जान नहीं सूखा पड़ा पर भाई तुम तो ठीक ठाक हो तुम्हारा कैसे आना हुआ भाई मेरे हाथ में तो चोट लग रही है उसे दिखाने आया पर अपना अपना मन ही होगा पर भाई तेरा कैसे आना हुआ भाई मुझे प्यास नहीं लगती मैं डॉक्टर साहब से दवा लेने आया चल भाई अपना अपना मरीज हुआ है बीमार जा रही पड़ी यार चढ़ना वायरस भी ओ डॉक्टर साहब वाली है भाई पहले मैं जंगा सुन कहाँ जा रहा टोकन तो पहले मैंने लिया मैं जंगा पहले मैं जंगा कुछ भी कर दे मैं जंगा भाई ये दोनों तो लड़ रहे हैं मुट्ठी का फायदा उठा रहे निकल लूँ हम चला डॉक्टर साहब नमस्ते नमस्ते टोकन लाए हाँ बैठो क्या परेशानी है तुम्हें डॉक्टर साहब मेरे चोट लग रही अरे भाई चोट लगी तो दुखे का भी भैया देख ना ही तूने मुझे जान दिया ना ही तू गया ले धरी ले अब यहाँ पे भाई ओ भाई जान दे मुझे जान दे भाई हाँ भाई राम राम डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम तो किन लाए बैठो क्या परेशानी है तुम्हें डॉक्टर साहब मुझे तीन महीने से भूख नहीं लग रही देखो बिल्कुल सूखा पड़ा जान नहीं हंसते पैरों में ये दवाई लिख देता हूँ कुछ ले आना अरे डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो मैं विदेशी दवाई नहीं लूंगा देसी दवाई लूंगा मेरे घर वाले लोग कहते हैं देसी दवाई से जल्दी आराम लगता है तो तुम्हें देसी दवाई चाहिए हाँ डॉक्टर साहब छोटू जरा रजिस्टर देना भैया एक काम करना फॉर्मूला नंबर 407 के अकॉर्डिंग तुम डेली कोयला खाया करो 1 किलो दो कोयला तो आग को जलाने का काम आवे मुझे लगा डॉक्टर ही बावला हो गया अरे कोई जब डॉक्टर साहब ने बताई तो दवाई खानी पड़ेगी नेक्स्ट डॉक्टर साहब नमस्ते नमस्ते तो किन लाए डॉक्टर साहब लाओ दिखो साथ। बैठो क्या परेशानी है तुम्हें पानी नहीं पी पाते यार ये तो बहुत बड़ी समस्या मानिए मैं भी दवाई लिख दे मुझको भी देसी दवाई नहीं चाहिए मुझको देसी दवाई चाहिए देसी दवाई मुझको मम्मी ने बोला की देसी दवाई लाना डॉक्टर से फॉर्मूला नंबर 507 के अकॉर्डिंग तुम्हें निन्ना बस से सुबह 4 बजे 1 लीटर काला तेल पीना पड़ेगा मट्टी तेल मिला के अबे यार जो डॉक्टर पागल तो नहीं हो गया
मशीन में तेल डालने वाला इंसान को प्यारा। जब डॉक्टर साहब ने बताई तो परहेज तो करना ही पड़ेगा।